नमस्कार मध्याह्न खबर को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन रे रहिछ अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर ता उपरे नजर पकाइबा हेले प्रथमे हेडलाइन उद्घाटित हेला सेल राउरकेला इस्पात कारखानार 100 वेंटिलेटर आईसीयू बेड लोकार्पण कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पूर्वरु राष्ट्र उद्देश्य रे लोकार्पण करथिले राष्ट्रपति पीएम को कोविड समीक्षा 10 राज्यर 54 जिला अधिकारी मोदी मीटिंग ओडिशार कटक सुंदरगढ़ और खोर्धा डीएम भी सामिल बैठक में किछ राज्यर मुख्यमंत्री उपस्थित राज्य में दैनिक मृत्यु संख्यार रेकर्ड आज 25 मुंड नेला कोरोना 11498 पॉजिटिव चिन्हट खोर्धारु सर्वाधिक 1497 आक्रांत कोविड योद्धा को मिललानी चिकित्सा राति सारा गच्छ तले बसी रहिले अंगनवाड़ी कर्मी पॉजिटिव चिन्हट पर डाक्तर को करथिले अपेक्षा पद्मपुर उपखंड मुख्य चिकित्सालय रो आसला विकल चित्र आसुची बात्या यश 22 रे बंगोपसागर रे लघुचाप 26 रे बालेश्वर दीघा पाखापाखी छुईब उपकूल संभाव्य बात्या नहीं एसआरसी को अध्यक्षता रे बसला समीक्षा बैठक अर्गसर प्रभाव धर्मशाला लघु खनिज लुट प्रसंग राहड़पुर पहाड़ उपरे पुलिस चढ़ऊ तीनोटी कमसर गोटे हाइवा जबत सह पांच जन अटक जेनापुर पुलिस पक्षर चढ़ाऊ एवं मृतदेह फेराई आड़ बांगालोरे छातर पड़ ओडिया पुओर मृत्यु परिवार चलाइबा बाहर को जाते मयूरभंजर सुब्रत पुओ को शेष थर देखा बापा मां गुहारी हमने जितना भी विकट समस्या के समाधान पूरा करने के लिए सेल के हमारे जो आपूर्ति के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। कोरोना का इससे दूसरी लहर में जब देश के सामने सभी राज्यों में ऑक्सीजन की मांग बढ़ने लगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई में अहम भूमिका सेल की होगी और मैं कह सकता हूं कि जिस गति के साथ में सेल ने देश के लोगों को खासतौर से ऑक्सीजन के विषय को लेकर के सेल और हमारी कान आरएनएल इनका बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए मुझे ये भी कहते हुए प्रसन्नता है कि आज की तारीख में लगभग 70,000 टन के ऊपर ऑक्सीजन की आपूर्ति हम कर रहे हैं। आज जिस प्रकार की स्थिति हमारी जो क्षमता है सेल की ये हमारी 3,000 बेड की क्षमता है परंतु इसको बढ़ा करके भी कल हमने 200 बेड का हमने हरिपुर का किया आदरणीय मंत्री जी के कर कमलों से और आज मैं कह सकता हूं कि आज जो हमारे आईसीयू बेड है वेंटिलेटर विद ये सुविधा युक्त है 60 बेड्स का वेंटिलेटर्स को आज हम हॉस्पिटल के इससे पूरे समस्या के लिए कोविड के लिए उपचार की दृष्टि से जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को ध्यान में रखकर के इसको बढ़ा रहे हैं और जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए हमने अभी सोचा है कि लगभग 2,000 बिस्तरों वाला ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सुविधा की बनाने का ये जो हमारा टारगेट है लक्ष्य है उसको हम धीरे धीरे पूरा करेंगे जितनी हमारी क्षमता है परंतु सेल के प्रत्येक एकीकृत प्लांट इसके अतिरिक्त 500 बेडों की क्षमता भी ऑक्सीजन युक्त बनाने का एक जो विस्तार करना है हम इस काम में भी लगे और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जब इस प्रकार की इस संकट से और आज देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जब हम ये सारा काम को देखते हैं निरंतर मैं कह सकता हूँ कि इस पे प्रधानमंत्री जी भी हमारे आदरणीय मंत्री मान धर्मेंद्र जी ने भी लगातार इसके लिए रिव्यू करना बात करना कहाँ कितनी आवश्यकता है रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर ये सब परिस्थितियों में लगातार हम लोग बात कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि आज जितना आज देश के इस संकट से उभारने में सेल का जो योगदान है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है
और इसलिए मैं आज की इस अवसर पर केवल यही कह सकता हूं कि हमारे इसे कोविड मृत बीमारी के उपचार के लिए कि 100 सुनी वाला जो आईसीयू वेंटिलेटर सुविधा तब हो जाए, ये जिस प्रकार की अपेक्षा है जरूर हमारी कोशिश होगी। और मंत्रालय इस हमारे सेल के माध्यम से जो अच्छा बेहतर हो सकता है, हमारे आदरणीय ज्वेल जी चिंता जाहिर कर रहे थे, मैं कहता हूँ कि आप सबके सहयोग से धर्मेंद्र जी निरंतर इसकी चिंता कर रहे हैं और आपकी जो अपेक्षा है वो जरूर मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में हम धीरे धीरे इसको जो मदद हो सकती है सेल की ओर से वो किया जाएगा आरएसपी की तरफ से, ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और आज मैं फिर एक बार सेल के विशेषकर आरएसपी के हमारे सभी उस टीम को भी बधाई देता हूँ कि इस कम समय में जो भी सहयोग हम कर पा रहे हैं और जो सुविधाएं हम उपलब्ध करा पा रहे हैं ये बहुत अंतरणीय है और इसलिए हम सब इसको एक प्रकार का सेवा भाव मान करके निरंतर अपने काम में लगे हैं। मैं एक बार फिर आदरणीय मंत्री जी को, मैं साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनकी इस निरंतरता के कारण इस सेल के अंदर हमारे इस स्वास्थ्य मंत्रालय में जो हम अनेक काम, अनेक हमारे जो सीएसी हैं उनके अंदर जो हम कर पा रहे हैं, ये उनके दिशा निर्देशन पर मैं एक बार फिर आज के इस शुभ अवसर पर जो हमने ये जो 60 का विद डिलेटर इस काम को पूरा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ऑक्सीजन युक्त ये जो सुविधा प्रदान कर रहे हैं और ये अपेक्षा थी उस समय जब हमने प्रारंभ किया, इसलिए मैंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति जी जब इसको शुरू किए थे उस समय लग रहा था कि इन सारी चीजों को हम कैसे पूरा कर पाएंगे, परंतु आज मैं बहुत सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद श्री फगन सिंह कुलस्ते महोदय। माननीय सांसद श्री ज्वेलराम जी महोदय भी फिर से जुड़ गए हैं, हम उनको भी उनके प्रेरणादायी वक्तव्य के लिए अशेष धन्यवाद देते हैं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सफाई दवाई और कड़ाई जीतेंगे कोरोना से लड़ाई, हम सब मिलजुल कर इस लड़ाई में जरूर जीत हासिल करेंगे। अब समय आ गया है उस प्रतीक्षित मुहूर्त का। आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण इस्पात स्नातकोत्तर संस्थान और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में संवर्धित कोविड आईसीयू के वेंटिलेटर सुविधाओं का समर्पण का, जो कि आगे चलकर इस इलाके के कई और लोगों के बहुमूल्य जीवन को बचाने में मददगार होगा। हम अनुरोध करेंगे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय जी से अपनी दूरदृष्टि के नींव पर खड़ी इस अत्याधुनिक सुविधा का रिमोट के द्वारा वर्चुअल समर्पण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राउरकेला में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना और उसके बाद वक्त के आगाज को ध्यान में रख के अत्यंत ही तेजी से 100 वेंटिलेटर विशिष्ट कोविड आईसीयू के प्रारंभ के लिए हम राउरकेला वासी आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब हम निवेदन करेंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय जी से
कृपया अपने आशीर्वचन से हमें आप्लावित करें। नमस्कार, आज कार्यक्रम रो अतिथि इस्पात राज्य मंत्री आदरणीय फगन सिंह कुलस्ते जी, ओडिशा सरकार स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री नवकिशोर दास जी, आम समस्त नेता सुंदरगढ़ लोकसभा सदस्य आदरणीय जुएल ओराम जी, जिलार विधायक बंधु माने श्री सुब्रत तराई, शारदा प्रसाद नायक, शंकर उराम, राजेन एक्का, लक्ष्मण मुंडा, सुश्री कुसुम टेटे, भवानी शंकर भोई, इस्पात विभाग वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय रशिका चौबे, पुनीत कंचल, सेल रो चेयरमैन आदरणीय सोमा मंडल, सीईओ दीपक चाटार्जी, आमर जिला रो कलेक्टर, एडीएम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो सीईओ, सहर रो तथा जिला रो गण्यमान्य नागरिक वृंद, श्रमिक संगठन गुड़िकर प्रतिनिधि बंधु माने, ऑफिसर एसोसिएशन रो बंधु माने, सांबादिक बंधु माने तथा आम सहर रो समस्त को जे सरकार रे नथाई कि भी गोटे नागरिक भी कौन करी पारे मो पाखरे खबर अच्छी। राउरकेला सहर रो जने उद्यमी युवक आदरणीय गुरिंदर सिंह जे निज प्रचेष्टा रे खाद्य आउ सिलिंडर बांटी की सहर रे गोटे सरदार पात्र ही परिचंती, से भी आज आम कार्यक्रम रे उपस्थित अछंती। समस्त को मु आज कार्यक्रम रे स्वागत जनाउछि, समस्त को शुभेच्छा दौछि, धन्यवाद दौछि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, राज्य सरकार को, ये उभयंकर मिलित प्रचेष्टा रे किछु दिन पूर्वे जेते बेले कोरोना रो प्रकोप आरंभ हला, आमर सुंदरगढ़ जिलापाल मते फोन करथिले जे आज्ञा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कोविड सेंटर रे परिणत करबा पाई, कोविड हॉस्पिटल भाबे मु सेल कर्तृपक्ष को दायित्व देथिली जे तुरंत ए अपेक्षा को पूरा करबा पाई। आरंभ रे 40 बेड युक्त गोटे हॉस्पिटल वेंटिलेटर व्यवस्था सह आरंभ हला हॉस्पिटल, परवर्ती अवस्था रे ये आज जो पाई आम समस्त एकाठी होती से मुझे मु दीपक चटार को पचार थी केते वेंटिलेटर अच्छी, से कहले 47 वेंटिलेटर अच्छी। यार ओरिजिनल प्लान रे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 47 वेंटिलेटर रो व्यवस्था थिला, मुझे नाई आवश्यकता पड़ो यही मुझे अनुभव करुची ऑक्सीजन आउ वेंटिलेटर सेकेंड वेव रो सबुठु बड़ आवश्यकता हबो, तेनु आमर एठी सुविधा अच्छी, आपनको पाखरे बेड अच्छी, आपण याकु पूरा करंतु। तेनु तांको मु कहितली जे 100 बेड रो वेंटिलेटर व्यवस्था करिबा पई, आईजीएच रे पूर्वरु 128 बेड कोविड हॉस्पिटल भाबे काम करथला आईजीएच डॉक्टर मानको द्वारा, ता भितरे 19 वेंटिलेटर थिला। सेक्टर 5 रे ऑक्सीजन सिलिंडर सह ऑक्सीजन वाला बेड 108 सेल भी बनै थिला, आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रे 200 बेड ऑक्सीजन वाला, ता भितरु 100 रु अधिका वेंटिलेटर यानी आईसीयू एक प्रकार। सेल आउ राज्य सरकार उभयंकर मु राज्य सरकार कर मंत्री को माध्यम रे राज्य सरकार को भी धन्यवाद देबी, एठी डॉक्टर भी राज्य सरकार उपलब्ध करेछंती। ये पूरा व्यवस्था को आमे जिला प्रशासन पाखरे अर्पण करूछु, मागणा रे सुंदरगढ़ जिला रो नागरिक मानकु राउरकेला तथा आखपाख अंचल रो नागरिक मानकु सुविधा एतरु मिलु, जिला प्रशासन जहाँ को एठी रखबा पई चाहिमे मागणा रे चिकित्सा सेवा मिलु, रेमडेसिविर इत्यादि रो उपलब्ध पर्याप्त मात्रा रे भी करा जायछि, याकु एठी सुविधा निया जाउ। याकु छाड़ी ऑक्सीजन संपर्क रे राउरकेला आज देश रे ना कमिछ, पाका पाखी मु आज सकाळ सुधा देखुथिली प्रतिदिन राउरकेला रु
350-400 metric tons ऑक्सीजन आम राज्य भितरे राज्य बाहर को जीवार आज संभव हो राउरकेला स्टील प्लांट और उत्पादन को कम करके व्यवसायिक लाभ को कम करके समाज आवश्यकता को पूरा करिवार दायित्व नहीं मु आज अवसर रे राउरकेला स्टील प्लांट को धन्यवाद देवी तार कर्मचारी बंधु मान को धन्यवाद देवी यूनियन बंधु मान को भी धन्यवाद देवी सब यूनियन गुड़िकर वेजेस निगोसिएशन चली अमंग अपट हवा कारण स्ट्राइक नोटिस भी आसी किंतु देशर आवश्यकता थिला ऑक्सीजन अधिका दरकार हो प्लांट रे स्ट्राइक हेले ऑक्सीजन उत्पादन कमिम सेल कर्तृपक्ष यूनियन मान को निवेदन करले यूनियन माने तांकर सहृदयता देखे कि स्ट्राइक को डेफर करिसंती मु आजर अवसर यूनियन रो ए सहृदयता पई तांकु कृतज्ञता जणुचि देश तरफ रु आम राज्य तरफ रु ता सह सेल चेयरमैन को भी दायित्व दौच आपोस बुझामणा करके जॉइंट निगोसिएशन माध्यम रे कर्मचारी मानकर श्रमिक भाई भौनी मानकर न्यार्ज्य दाबी परवर्ती अवस्था रे ऑफिसर मानकर पे सिस्टम वेजेस याकु सेटल करंतु एटा आपन को मोर दायित्व आज केवल ये 436 नु है सेक्टर 22 रे गैसियस ऑक्सीजन आधार रे आरंभ रे 100 आवश्यकता को देखिकी 500 पर्यंत बेड को भी ऑक्सीजन वाला बेड को जिमती एठकार जिला प्रशासन आवश्यकता रखिबो से बेड को भी सेल तार खर्च रे बनेमो हॉस्पिटल रो व्यवस्था राज्य सरकार को माने डॉक्टर्स रो व्यवस्था डॉक्टर मान को दबा पई पड़िबो और पैरामेडिक नर्सेस पैरामेडिकल से दायित्व नबा पई पड़िबो ये पाका पाकी 850-900 बेड राउरकेला रे ही सेल माध्यम रे बनिबा ता छाड़ी की अन्यान्य राज्य सरकार कर हाईटेक इत्यादि सब हॉस्पिटल राउरकेला रे अछि कोइडा रे 50 बेड रो ऑक्सीजन व्यवस्था कोइडा रो जो आरएसपी रो हॉस्पिटल अछि एठी लक्ष्मण मुंडा महाशय भी उपस्थित अछंती बणी रो माननीय विधायक ज्वेल बाबूंकर जन्मभूमि खणि खदान अंचल कोइडा कोइडा रे भी 50 बेड रो ऑक्सीजन वाला व्यवस्था सीरियस पेशेंट मान को राउरकेला कि अन्य कोठी न्याय जाई पारे किंतु तुरंत ऑक्सीजन रा आवश्यकता को पूरा करबा पई 50 बेड रो दीपक जी आ सोमा मंडल मैडम याको अपन चिंता करत से भले बड़बिल रे केउझर जिला रो बड़बिल बलाणी अंचल रे जोटी सेल रो बहुत बड़ा काम अछि सेठी भी 100 बेड रो हॉस्पिटल निज खर्च रे निज डॉक्टर व्यवस्था रे कॉर्पोरेट एसोसिएशन माध्यम रे सेल दायित्व नबो सेल टेस्टिंग रे गत थर कोरोना प्रभाव बेले 500 टेस्टिंग कैपेसिटी रो मशीन सेल रे लागिछ मते सूचना दिया गला एठी एबे 100,000 टेस्टिंग रो व्यवस्था एठी आगामी दिन रे हवा पई जाउछ राउरकेला धीरे धीरे पश्चिम ओडिसा रो मैं हिसाब कर देखुली सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर देवगढ़ केन्दुझर ये जो अंचल अच्छी यार केन्द्र बिंदु है राउरकेला किछ अंचल अनुगुल जिलार भी अंचल पालड़ा सब डिविजन को मिसेले स्वाभाविक भाव यार मूल पेंटस्थली राउरकेला राउरकेला टू आरंभ करके सुंदरगढ़ संबलपुर पर्यंत ये जो एलएनटी रोड अच्छी ये अंचल रे झारसुगुड़ा एयरपोर्ट राउरकेला एयरपोर्ट ये जो अंचल रे एठी ज्वेल बाबू उल्लेख करूथले एनटीपीसी द्वारा बनीथिबा हॉस्पिटल संपर्क रे सुंदरगढ़ रे मु एबे एबे एनटीपीसी रो सीएमडी को संगे आलोचना करिछि कलेक्टर स्थानीय एनटीपीसी अधिकारी मानंकु तांको अपेक्षा रखंतु मो कान सी 20 वेंटिलेटर अच्छी सेठी भी एनटीपीसी को आम अपेक्षा रखा कम से कम 100 वेंटिलेटर वाला व्यवस्था सुंदरगढ़ हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रे उपलब्ध करा जाऊ ताद्वारा सेठी जो गोटे नुआ मेडिकल इकोसिस्टम डेवलप है सुंदरगढ़ भी सेठी एमसीएल भी किसी दायित्व नहीं
झारसुगुड़ा जिले में एमसीएल दायित्व नहीं राज्य सरकार स्वास्थ्य मंत्री निज कनसुंची झारसुगुड़ा सी भी तार दायित्व नहीं संबलपुर राज्य सरकार किसी पदक्षेप नहीं छाड़ी एमसीएल आड़ 100 बेड हॉस्पिटल से बना जा बरगढ़ रे किछु दिन पूर्वे आमे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन माध्यम रे किछु वेंटिलेटर व्यवस्था करथिले गुटे प्राइवेट हॉस्पिटल को से प्राइवेट हॉस्पिटल को एबे राज्य सरकार निज कबल को नेचेंदी निजर पाखे रखिचेंदी सेथि भी मागणा चिकित्सा हबो ए अंचल रे एई थर लहर रे सुंदरगढ़ रे बहुत कोरोना पॉजिटिव हेले स्वाभाविक शिल्पांचल झारसुगुड़ा रेले बरगढ़ रे बहुत मात्र छत्तीसगढ़ कारण संबलपुर पाखापाखी देशर जो हाई पॉजिटिविटी रेट वाला जिला भीतर संबलपुर भी अच्छी या कुछ संभालिबार आवश्यकता अच्छे टेस्टिंग ट्रेसिंग आउ ट्रीटमेंट ये तीनोटी जाक काम पाई ए अंचल रे ये विभिन्न पब्लिक सेक्टर यूनिट हो प्राइवेट सेक्टर यूनिट हो राज्य सरकार हूं कि केंद्र सरकार अन्यान्य व्यवस्था हो मिलित भाव आम समस्त दायित्व गुरमिंदर सिंह भलिया व्यक्ति पर्यंत दायित्व ये केवल सरकार मानकर दायित्व नुहे केवल रिसोर्स थिले हबो संभव नुहे समस्ते लागिले हबो मु आज बहुत कृतज्ञ जिलार सबु जनप्रतिनिधि मान एकाठी अछंती समस्त दायित्व क्राइसिस मैनेजमेंट करबा पई पड़िबो जोटा सुंदरगढ़ जिले में सहज स्वाभाविक भाव हो सारा समस्ते निज निजर दायित्व तुलाउचंती आज 10,000 मेट्रिक टन पर्यंत राउरकेला देश को ऑक्सीजन जोगेछ सिलिंडर रिफिल रो बड़ केंद्र राउरकेला अच्छे राउरकेला ये जो नुआ ऑर्डर थे न्यू ऑर्डर हेच से इकोसिस्टम रे राउरकेला तार जो ओडिसा रे तार ना आगुरु रखीथिला देश रे तार आगुरु ना रखीथिला पुनर्बार राउरकेला नुआ दायित्व नेकी ये तार ना रखुची मु राउरकेला को शुभेच्छा जनाउची राउरकेला नागरिक मान को राउरकेलार स्पिरिट को मु शुभेच्छा जनाउची आपण मानकर प्रचेष्टा बल रे आज कोरोना थय धरलाणी ये कमी नहीं तृतीय लहर कथा आसुची याकु समस्त को मिसिक आम को संभालिबा पई पड़िबो भारत सरकार ए भितरे पाखापाखी 1,000 वेंटिलेटर वाला बेड पाखापाखी 5,000 ऑक्सीजन वाला बेड राज्य सरकार उपलब्ध करते मिसिक ये केवल व्यवस्था हो गले हम व्यवस्था को उपयोग करने विशेष करवेदन करी ओडिशा रे आदिवासी लोक मैंने पछुआ अंचल लोक मैंने गाँव रुवा लोक मैंने टेस्टिंग प्रति कुंठा प्रकाश कर भय भ्रांति कारण टेस्टिंग कर मोर समस्त निवेदन ये बसी सब बंधु मान को मंत्री राज्य वरिष्ठ मंत्री आरंभ करनप्रतिनिधि आरंभ करागरिक पर्यत सामाजिक बंधु मान पर्यत टेस्टिंग गोटे जनजागरण करने पड़ो टेस्टिंग कले ही आम जापर रोगर मात्रा कौन आम पाखे आज सुविधा अच्छे सुविधा को उपलब्ध करवा मगणार उपलब्ध करवा यार दायित्व आम समाज को नापी पड़ो ज्वेल बाबू ठीक कहले जे कोरोना रे सीए भी पीड़ित है बाहर फगन सिंह कुलस्ते भी पीड़ित है बाहर आमर दीपक चाटार भी पीड़ित है बाहर आपतर अनेक बंधु पीड़ित है बाहर थे कोरोना को डरले हबनी कोरोना को मुकाबिला करने पड़ो आज मुकाबिला करा जाई पार ये हला जो मैंने प्रभावित अच्छा वैक्सीनेशन गोटे बड़ दायित्व आम समस्त अच्छे गोटे वैक्सीनेशन संपर्क टीका संपर्क तथ्य रखी ए पर्यंत आगो भारत सरकार निष्पत्ति कले फ्रंट लाइन वर्कर मान को थरे भावंतु जदि आज देशर डॉक्टर माने नर्स माने पुलिस कर्मचारी माने टीका न नै थांते एई थरो सेकंड वेव को संभाली किए थांता डर केते पसी जाई थांता आज टीकाकरण कारण भारत रे पक्का पक्की 18 कोटी टीका दिया जाय सरची प्रथम आ द्वितीय डोज को मिसे भारत रे टीकार सीमा अच्छी उत्पादन आज अच्छी सीमा आज देश में पाखापाखि 8 कोटी टीका मे मस सुधा बनम प्रतिमास जुलाई मस जून मस 11 कोटी आड़ को जीव जुलाई मस 15 कोटी आड़ को जीव अगस्ट सेप्टेम्बर आड़ को ये मस को 25-30 कोटी पर्यंत उत्पादन हबो टीकार
उपलब्धता धीरे धीरे बढ़िबो तनु प्राथमिकता को देखिकि टीकाकरण को संतुलित भावे करिबा पई पड़िबो ए पर्यंत ओडिसा को भारत सरकार को द्वारा राज्य सरकार को अधिकार रे थिबा टीका को दुईटा को मिसेकि भारत मोटा मोटी भारत सरकार को द्वारा 67,57,660 टीका जाइछ मागणा रे ये टीका भारत सरकार उपलब्ध करिछन्ति राज्य सरकार को धन्यवाद देबी सीए भी राज्य रे तांकर जो 25% टीका लगेबार दायित्व तांकर पाखरे भी अछि जो मानको से 18 रु 44 वर्ष पर्यंत लगेबा पई आरंभ रे प्रथम रे आरंभ करछन् छे भीतर राज्य सरकार भी 6,28,480 टीका लगे सारलेनी मोट 73,86,000 अने पाका पाखी 74,00,000 टीका लागि सारिछि मोटे तुलना आपन गदर करिया पई चाहुछ भारत रो जनसंख्या आ ओडिसा रो जनसंख्या को तुलना करले आमे 3.1% हला हमर ओडिसा रो पॉपुलेशन सर्व भारतीय तुलना रे सर्व भारतीय स्तर रे जति की टीका उपलब्ध है छि पर्यंत जति की टीका सर्व भारतीय स्तर रे ओडिसा को जति की टीका आसे छि तार परसेंटेज हिसाब करले 4.16% होछि माने जनसंख्या आधार रु 1% टीका ओडिसा को अधिक आबि आसे छि टीकार जति की उपलब्ध हबो टीका सेति की ओडिसा को अधिक आबि आसीबो 50% टीका भारत सरकार मागणा रे देबे 25% टीका राज्य सरकार तांको बजेट रु किणी की मागणा रे देबे 25% टीका से आरंभ हैनी से पे माज सेल रो ये प्लेटफार्म रे कथा को दायित्व नउछ और घोषणा भी करूछ कॉर्पोरेट हाउस माने ओडिसा रे काम करूथुबा पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट हाउस माने एमान को भी नीति बनिची 25% टीका बाजार दर रे किणीमा पाई आपण पर्याप्त मात्रा रे बाजार दर रे किणीमार व्यवस्था करंतु आपण आपणकर एम्प्लॉय मान को टीका लगांतु एम्प्लॉय रो परिवार रो लोक मान को टीका लगांतु तांको घरे काम करथुबा लोक मान को टीका लगांतु आपणकर कॉन्ट्रैक्ट लेबर मान को टीका लगांतु ड्राइवर मान को टीका लगांतु विस्थापित अंचल रो लोक मान को टीका लगांतु ए दायित्व आपणकर आपणकर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी भितरे आसुछ आपणकर समूह रो जो संगठन सीआईआई से माने निवेदन आपण करछन्दि 1+1 मु तो आरएसपी बढ़िया संगठन को कहबे आपण 1+2 लगांतु सुंदरगढ़ जिला को सब जनप्रतिनिधि माने अछन्ति एमपी महाशय अछन्ति कलेक्टर एटी अछन्ति राज्य रो स्वास्थ्य मंत्री एटी अछन्ति समस्त मिसिकी आ नागरिक आ सांबादिक बंधु माने अछन्ति सुंदरगढ़ जिला रे चरणबद्ध तरीका रे तीनटी सोर्स रे भारत सरकार कर 50% टीका 25% टीका राज्य सरकार कर कॉर्पोरेट हाउस रे टीका 25% ये जिला रे सेल अछि ए जिला रे एनटीपीसी अछि ए जिला रे एमसीएल अछि ए जिला रे ओसीएल अछि ए जिला रे छोटो बड़ो अन्य उद्योग समूह अछि राउरकेला चैंबर ऑफ कॉमर्स अछि ए अंचल रे माइनिंग सेक्टर अछि प्राइवेट सेक्टर रे ये सब संगठन मानको जिलापाल मीटिंग करके समन्वय करंतु अनुरोध करंतु आम जिला रे कम से कम आग देश रे 100% टीकाकरण वाला जिला हेई पारिबो ये मु एको स्पष्ट देखुछ किंतु परस्पर को ठेला पेला न करके परस्पर को दोषारोप न करके शारदा भाई टीके हमको गाली देले चलिबो लड़ुआ लोक सी कहे एटा कलानी सेटा कलानी मोदी देते भल एटा केवल मुझे लघु मंत्य दे कह शारदा भाई को अधिकार अच्छे बाकी सब बंधु माने कलेक्टर नेतृत्व नियंतु एमपी अनुभवी लोक आम समस्त मिसिक जिले में गोटे जन आंदोलन करू आम जिले में कोरोना को मुक्त करेबा कोरोना रे हरेबा राज्य सरकार भारत सरकार और समाज विशेष करके पुणी मु आज ना नेबी गुरविंदर सिंह कर गुरविंदर सिंह माने आम जिलार सबुठ प्रेरणार स्रोत यही मानक नेतृत्व रे ए प्रकार अनेक गुरविंदर सिंह माने छोटो मोटो अंचल रे काम करचुंदी समस्ते मिसिक आमे ये कार्यक्रम को पूरा करू आम जिला को कोरोना मुक्त करू मु पुनर्बार आज बसीथिबा नागरिक बंधु मानकु सज्जन वृंद को सेल को विशेष करके धन्यवाद देबी राज्य सरकार चिकित्सा सेवा रे
जो मैंने फ्रंटलाइन वर्कर अच्छे डॉक्टर नर्स अंगनवाड़ी दीदी आशा कर्मी समस्ते जीवे 24 तारीख रु मापिबा टेम्परेचर मापिबा या को समस्ते आमे सहयोग करेबा अनुसंगिक तांकु आमे उपचार करेबा तांकर जत्न देबा सम्मान करेबा आ काठगड़े ठिया करिबा नै ये समस्ते मिसिक आमे आमो ये गुटे नुआ मॉडल सुंदरगढ़ मॉडल कर जिंद राउरकेला आज ना करला सेमति सुंदरगढ़ राउरकेला मॉडल देशरे थियरी हो समस्ते मिसिक काम को पूरा करिबा समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा नमस्कार जय जगन्नाथ। आपणक प्रेरणादायी और दिग्दर्शी उद्बोधन निमंते अशेष धन्यवाद श्री प्रधान महोदय। देश को पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एवं स्टील रो शक्ति रे बलशाली करिबा हेउ किंबा देशवासी का स्वास्थ्य और कल्याण दिगरे प्रतिबद्ध संपन्न प्रयास करिबा हेउ आपणक इस्पाती इरादा प्रतिफलित हुए आपणक चिंतन रो दृढ़ता गभीरता और विशालता रो राउरकेला शहर और शहरवासी निमंते आपणक हृदय रे जो स्वतंत्र स्थान अछि सेथि निमंते आमे आपणक निकट रे चिर ऋणी रहिबो। एहा सहित आमे आजिर कार्यक्रम रो शेष पर्याय रे पहुंची जाइछु। अब मैं अनुरोध करूंगी राउरकेला स्टील प्लांट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री दीपक चट्टराज महोदय से धन्यवाद के पर्व संपन्न करने के लिए। नमस्कार ऑनरेबल मिनिस्टर सर्स, respected dignitaries, esteemed guests, ladies and gentlemen, and all who have joined through online different media including Facebook for this ceremony of dedication of augmented ICU ventilator facilities at our IPGI and super specialty hospital. Today's function marks our deep resolve to bravely fight back in the face of the huge challenge posed by the COVID pandemic. सुरक्षा कवच नहीं दे पाना, इसलिए वैक्सीन वेस्टेज रोकना बहुत जरूरी है। मेरा ये भी कहना है कि जब आप अपने जिले के आंकड़ों की समीक्षा करते हैं तो उसमें अर्बन और रूरल इसको भी अलग अलग से आप गौर करें ताकि आपका फोकस रहे। इवन टीयर टू टीयर थ्री सिटी को भी अलग से उसका एनालिसिस करें ताकि आप फोकस वे में अपना स्ट्रेटेजी वर्कआउट कर सकते हैं, कहाँ कितनी ताकत लगानी है, किस प्रकार की ताकत लगानी है, ये बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। और इससे जब ये प्रकार से देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। और मैं भी लंबे अरसे तक आप ही की तरह कुछ न कुछ काम करते करते यहाँ पहुँचा हूँ। मेरा अनुभव है कि गांव के लोगों को अगर सही बात समय पर पहुँचा दी जाए तो वो बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं, बहुत रिलीजियसली। और जो शहरों में कभी कभी हमको किसी चीज को लागू करने में मेहनत पड़ती है, गांव में उतनी मेहनत नहीं पड़ती। हाँ, क्लैरिटी चाहिए, गांव के अंदर एक टीम बनानी चाहिए। आप देखिए वो परिणाम खुद दे देते आपको। साथियों, सेकंड वेव के बीच वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। और सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि अपने जिले में युवाओं बच्चों में संक्रमण और उसकी गंभीरता के अलग से उस पर रेगुलर आप एनालिसिस कीजिए। आप स्वयं भी, मेरा सभी आप प्रमुख अधिकारियों से आग्रह है कि आप स्वयं भी उसका आकलन करें।
इससे आगे के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी। साथियों, मैंने पिछली बार की बैठक में भी और मैंने ये भी कह रहा कि जीवन बचाने के साथ साथ हमारी प्राथमिकता जीवन को आसान बनाए रखने की भी है, गरीबों के लिए मुफ्त राशन सुविधा हो। तबे आपण माने सदासको देखुथले प्रधानमंत्री मोदी किभळी भाबे कोविड रा समीक्षा करछंती, पाखापाखी 54 जिल्लार डीएम क सह मोदी आलोचना करछंती एवं किभळी भाबे कोरोना को कंट्रोल कराजिबो स्थिति को से समीक्षा करछंती। ओडिसा सह पश्चिमबंग, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और केरल पर राज्य डीएम को सहित से आलोचना करछंती। यारी मध्ये ओडिसा रु कटक, सुंदरगढ़ एवं खोर्धार अधिकारी मध्ये शामिल अछंती। अच्छे इनोवेटिव प्रयोग आप सबने कहीं कहीं किए हैं, अगर वो आप मुझे पहुंचा देंगे तो जरूर इसको देश भर में पहुंचाने में मुझे सुविधा होगी, क्योंकि इंटेलेक्चुअली डिबेट करके कितनी भी चीज क्यों ना निकाले, लेकिन उससे ज्यादा ताकत जो फील्ड में काम करता है, उसने जो अनुभव किया है और उसने जो रास्ते खोजे हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत बड़ी है और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको निकालिए। दूसरा, पिछले 100 साल में किसी के जीवन में इतने बड़े संकट से जूझने की जिम्मेवारी नहीं आई है। आप डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, आपके जिम्मे सबसे बड़ा बोझ आया है, आपने बहुत चीजें ऑब्जर्व की होगी, मानव मन को ऑब्जर्व किया होगा, व्यवस्थाओं की मर्यादाओं को देखा होगा, कम से कम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके आपने एक नए रिकॉर्ड प्रस्थापित किए होंगे। जब भी मौका मिले इसको जरा जरूर अपने डायरी में लिख करके रखिए, आने वाली पीढ़ियों को आपके अनुभव काम आएंगे, क्योंकि पिछली शताब्दी में 100 साल पहले जो बड़ी महामारी हुई वो उसके उतने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि वो लड़ाई उसका रूप कैसा था, संकट कितना गहरा था, कहाँ क्या हुआ, बाहर निकलने के रास्ते क्या खोजे गए। लेकिन आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के अफसर अगर ये डिस्ट्रिक्ट गैजेट की तरह इसको बनाएंगे तो भविष्य की पीढ़ियों को भी हमारी ये मेहनत, हमारे अनुभव, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम आएगा। और मैं आपको भी इस सफलता के लिए, इस मेहनत के लिए और आपको और आपकी पूरी टीम को, जिस प्रकार से आप लोगों ने इसका नेतृत्व किया है, आपको बधाई देता हूं, आपकी सराहना करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप और अधिक सफलता प्राप्त करेंगे, तेजी से सफलता प्राप्त करेंगे और जन सामान्य के अंदर विश्वास पैदा करेंगे। सामान्य मानवी का विश्वास विजय की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है, सबसे बड़ी जड़ी बूटी है, इससे बड़ी जड़ी बूटी नहीं हो सकती है। और ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, कार्य का बोझ आपको ज्यादा है, मैं अनुभव करता हूं। अब बारिश की सीजन आएगी तो और एक सीजनल जो प्रेशर रहता है वो तो बढ़ने ही वाला है, लेकिन इन सबके बीच भी आप स्वस्थ भी रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आपका जिला जल्द से जल्द स्वस्थ हो, हर नागरिक स्वस्थ हो, ये आपकी कामना ईश्वर पूरी करे, आपका पुरुषार्थ पूरी करेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपण मैंने सुस्थ रुहतु एवं आम समाज सुस्थ रतिटि नागरिक धर्म आज निजे सचेतन होगा सहित अगर सचेतन करवा दरकार। मुझे जानू आपण मानक प्रेसर रही, बर्षा दिन आग को आसुच्छी अनेक दायित्व रही, तथापि आम समस्त दायित्व आम समस्त सचेतन करवा, ग्राउंड जीरो को जी लोक सचेतन कराइबा, ये हूँ आम कर्तव्य। प्रधानमंत्री मोदी आज कोविड समीक्षा बैठक करो कि पाखापाखी 54 जिलार डीएम सहित मोदी आलोचना करिछंती, कोरोना स्थिति नहीं आलोचना करिछंती। तबे ओडिशा सह पश्चिमबंग, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और केरल पर राज्य डीएम सहित से आलोचना करिछंती, समस्त को मध्य
से अनुरोध करछंती जे महामारी को किबळे मिलिमिसि मुकाबला करबा एवं ए दायित्व हम समस्तंकर बोली से अनुरोध माध्यम रे कहछंती। ब्रेक परे मध्यर खबर को स्वागत। जाजपुर एक अभावनीय चित्र सामना को आसुछि। जाजपुर रे टली रे बुआला सब आंकुला अंचल रु आसीछि एबलिक अभावनीय चित्र। कोरोना समय रे जाजपुर जिला मुख्य चिकित्सालय रु सब को नेबा को एभली व्यवस्था होईछि जहां देह खराब हेबारु गुरुवार को डाक्टरखाना निया जाइथिला तबे सेठारे डाक्टर तांकु मृत घोषणा करथिले जाकुने मध्य परिवार अभळार अभिजोग आसीछि। सेपटे मृत्यु परे आंबुलांस न मिलिबा एवं शब को टली रे बुहाबा को नहीं चर्चा जोर धरी। एभलिक चित्र सामना को आसुछि जाजपुर जे किभली भावे आंबुलांस न मिलिबारु टली रे बुहा जाउछि तारो चित्र सामना को आसुछि। जे कोरोना समय रे जाजपुर जिला मुख्य चिकित्सालय रु शब को नेबा पई एभली व्यवस्था करा जाइछि जहां नारे अभिजोग आसीछि जे देह खराब हेबारु गुरुवार को डाक्टरखाना निया जाइथिला तबे सेठारे डाक्टर तांको मृत घोषणा करथिले जाकुने मध्य परिवार अभळार अभिजोग आसीछि। सेपटे मृत्यु परे आंबुलांस न मिलिपाए एवं शब को टली रे बुहाबा को नै अंचल रे चर्चा जोर धरिछि। मेडिकल नहीं गनु नहीं छाला पर उसी डाक्टर पास देखेनु रिपोर्ट देखे को लिखेनु रिपोर्ट लिखे छाला पर आम जे कहले जे डेट है डेट है केमती तो दुख दुख चलते ना डेट है ना से डेट है जिते डेट है सी तो आम किसी कहले साथ सिक्यूरी कहले बाहर कर मेडिकल बाहर कर बाहर आनु तुम किसी गाड़ी फाड़ी व्यवस्था मेडिकल नहीं आमे शहे आठ फोन करूँ शहे आठ कले आम पानी कोले अच्छे अच्छा आम जापर पानी कोले अच्छे फिर आम टली नहीं आईलु। तेबे चित्र सामना को आसुछि जाजपुर आंकुला अंचल जे किभली भावे जड़े रोगी को मेडिकल भर्ती करा जाउछे सेठारे सठिक ट्रीटमेंट मिलूनी जहाँ परिवार लोके अभियोग करछथि। आ या परे जेते बेले डाक्टर रोगी को मृत घोषणा करछथि सेबेले को समय रे जेते बेले परिवार लोके आंबुलांस को कॉल करछथि सेते बेले आंबुलांस विभिन्न बहाना देखाउछि एवं आंबुलांस न मिलिबारु शेषरे निज परिवार सदस्य को शब को परिवार लोके टली रे बोही आणुछथि एवं ए चित्र जेते बेले सामना को आसुछि अंचल या कोई चर्चा जोर धरू। तेज प्रश्न आसुच्छी जिते बड़े राज्य सरकार आंबुलांस व्यवस्था कर सठिक समय रोगी टीए मेडिकल जीव सठिक समय पहुँचव ट्रिटमेंट करमती शब बोवाई महाप्रयाण गाड़ी व्यवस्था रही है यार रोगी को सब सुविधा मिल पार ना चित्र बारंबार राज्य तमाम अंचल सामना को आसुच्छे आसान भाव आज मैं एक चित्र सामना को आसुच्छी जाजपुर आंकुला अंचल जे किभली जड़े रोगी जे रही गुरुवार अवस्था खराब था स्वास्थ्यावस्था खराब होवर पर लोके मेडिकल नहीं जाते सेठारे किभली भावे ट्रीटमेंट सठिक समय मिललानी जहाँ पर लोके अभोग आणुंत सीधा सख प्रतिक्रिया रखुंत यार मध्य जिते मृत्यु हो जाठार नापी से आंबुलांस को जोजोग करते कि आंबुलांस विभिन्न बाहना देखा विभिन्न आड़ देखा जो शेषे से गुरुवार शब को एक ट्रली बोही आणुंट जार चित्र सामना को आसुच्छी और चित्र सामना को आसवा पर पुणि थे राज्य सरकार को उपरक स्वास्थ्य विभाग उपरक पुणि थे आंगुल उठी समय सर मध्यान खबर को यही रखु नमस्कार।